नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाई शर्मिला को जमानत दे दी। एक दिन पहले शहर में उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी की बहन है। शर्मिला को सोमवार को गिरफ्तारी के बाद एक अदालत के सामने पेश किया गया, जिसमें उन्हें 8 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा और उन्हें यहां जेल में रखा गया था। शर्मिला ने जमानत याचिका भी दी थी, जिसे अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। दलीलों और प्रतिवादों को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को 30,000 रुपए के जमानती बॉन्ड और 2 मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी। उन्हें पुलिस को बताए बिना स्थान नहीं छोड़ने को कहा गया है। पुलिसकर्मियों की शिकायत के आधार पर शर्मिला के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन पर एक साथ उप निरीक्षक के साथ ही साथ मारपीट करने, पुलिस कांस्टेबल पर अपना वाहन चढ़ाने और उसके पैर को घायल करने तथा पुलिस अधिकारियों को गाली देने का आरोप लगाया गया। तो पुलिस ने कहा कि शर्मिला एवं उनके चालक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। और हम बात करेंगे साई शिल्पा, जो कि वाईएसआरटीपी की इंचार्ज है और वाईएसआरटीपी की जानी मानी नेता है, उनसे आप चर्चा करते हैं। शिल्पा मैडम, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शर्मिला मैडम का आचरण रहा और उसके बाद उनको जमानत मिली है, पार्टी की तरफ से आधिकारिक किस तरह की प्रतिक्रिया होगी आपकी तरफ से? नमस्ते जी। जी जी शिल्पा जी, स्वागत है। शिल्पा चारी बोल रही हूँ, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सिकंदराबाद इंचार्ज। जी जी, तो अभी शर्मिला मैडम को जमानत मिली है, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी देखिए भैया, उनको अभी बेल पे आई है उन्होंने। जी, कंडीशनल बेल था। ऑब्वियसली बेल बोले तो मोस्टली कंडीशनल बेल ही रहेंगे। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरा प्रकरण रहा, पूरा इंसिडेंट रहा, इसमें एक पब्लिक मैसेज जो गया वो काफी निगेटिव था, इसको कैसे डिफेंड करेंगे साई मैडम? आप शिल्पा मैडम, आप कैसे इसको डिफेंड करती हैं, जो मैसेज गया इस पूरे प्रकरण में? नहीं भैया, अभी सिर्फ वो नेगेटिव इनके लिए, ओनली पुलिस के लिए वो नेगेटिव है। जी, जो उन लोग कोर्ट में दिखा रहे वो नेगेटिव है, लेकिन जनता तो देख रही है ना, जनता तो जानती है। अभी ये पहली बार नहीं है शर्मिला जी को ऐसा, बहुत बार हो चुका है। जब उन्होंने पदयात्रा कर रही भी ऐसे किए थे, पदयात्रा का रास्ते में पदयात्रा 2 बार रोके, 2 बार उनको वापस घर लेकर आए, और ऐसा 4-5 बार भी उन्होंने किसी को विनती पत्र देने के लिए जा रहे तो भी ऐसी घर करने, बहुत पुलिस ऐसा की जैसा कोई क्रिमिनल के घर के पास हो, जैसा की कोई टेररिस्ट को पकड़े हो, ऐसा पुलिस का व्यवहार है अभी तेलंगाना राष्ट्र में, ऐसा पुलिस का व्यवहार है। शर्मिला जी के तरफ से तो बहुत लोग, जनता तो बहुत लाइक दिखारे उनको, मैडम एक वुमेन को देख के ऐसा नहीं करना चाहिए, एक वुमेन को इतना बहुत बुरी तरह, एक्चुअली उनको पता है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अधिनेत्री एक वुमेन है, राइट? तो उनके लिए एटलीस्ट वुमेन कॉन्स्टेबल्स तो रहना चाहिए था, सिर्फ 2 वुमेन कॉन्स्टेबल, बाकी के पूरे मेन है, बाकी के पूरे कॉन्स्टेबल्स मेन थे, ऐसा कैसा ले जा सकते? और उनको बहुत बुरी तरह हैंडल कर रहे थे। हम खुद अभी पुलिस जो भी वीडियो दिखा रहे बहुत बुरा दिखा रहे, सिर्फ उनको जितना चाहिए वो एडिट करके दिखा रहे, बहुत हमारे को बहुत बुरा लग रहा है। पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, और अभी राष्ट्र में कुछ भी होता तो पहले पुलिस को अप्रोच करते ताकि उनका मदद मिले, ताकि उनसे अपन को कुछ रेस्पेक्ट मिले, ताकि उनसे अपन को कुछ मिलता करके पुलिस को अपन अप्रोच करते, लेकिन इधर पुलिस बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे थे, उनको बहुत खींच रहे थे, उनको लाइक प्राइवेट पार्ट्स भी टच कर रहे थे, इट वाज वेरी बैड। अभी वुमेन कॉन्स्टेबल 2 ही थे, तब मेन कॉन्स्टेबल उनके ऊपर आंख आंख घूर रहे थे, उनके ऊपर ऊपर आ रहे थे, तब और क्या कर सकती एक महिला? जी, उनको सेल्फ तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो हाथ तो चलाएगी ना, बिल्कुल। तो शिल्पा जी, आपका जो आरोप है, जी शिल्पा जी, आपका जो आरोप है
वो ये कि जो वायरल हो रहा है जो वीडियोस, उसके अलावा काफी सारे इस ढंग के आचरण थे जिसमें पुलिस का रवैया आक्रामक था, अटैकिंग था पुलिस का रवैया, इसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशान होकर के शर्मिला जी ने हाथापाई की या हाथ उठाया, जबकि इस पूरे प्रकरण का एक दूसरा पक्ष भी है जिसमें पुलिस की तरफ से हरासमेंट किया गया। तो इस मामले में पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी की नेता ने क्या पुलिस को कंप्लेंट किया या फिर किस तरह की डिमांड है? एक्चुअली हमारा डिमांड एक ही है जी, दूसरी बार से एक महिला को लेके ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए पुलिस को। पुलिस का इस पे हमारे को बहुत रेस्पेक्ट है, और पुलिस यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र में क्या हो रहा बोले तो पुलिस पूरे बीआरएस पार्टी को काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ड्यूटीज, दे आर वर्किंग फॉर बीआरएस पार्टी को काम कर रहे हैं। इन लोग ऐसा करना बहुत बुरा है। हम आगे जाके हमारा कार्यचरण रहता है, हम डेफिनेटली इनके ऊपर कंप्लेन करेंगे। अभी तो हमारे मैडम बेल पे बाहर आई है शर्मिला जी, अभी हम डेफिनेटली इसको आगे ले जाएंगे ताकि दूसरी कोई महिला को दूसरी बार ऐसा ना हुए तेलंगाना राष्ट्र में। जी बिल्कुल साई, शिल्पा जी जो देखने को मिला वो असहज था, वो गलत था, इसमें हर कोई जानता है, लेकिन अभी चुनावी मौसम और भी रंग पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा, चुनाव आने वाले हैं अभी, तो उसको लेकर के जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल होता है या फिर जिस तरह से गाली गलौज या हाथापाई की स्थिति नौबत आ जाती है पब्लिक मीटिंग में, क्या ऐसे इंसिडेंट किसी भी पार्टी की तरफ से, आपकी तरह पार्टी की नहीं बल्कि कोई भी पार्टी कोई भी नेता की तरफ से आने वाले समय में और बढ़ेगा क्या आपको लगता है? बिल्कुल, अभी आगे जाके पुलिस के ऊपर तो हम डेफिनेटली कंप्लेन करेंगे। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस है जो शर्मिला जी को उन लोग खींचे थे, उनका बुरी तरह उनका साड़ी वाड़ी बहुत खींचे थे उन लोग, ऐसा बहुत बुरी तरह बिहेव करे थे। और वो टाइम पे हमारे को कोई लेडीज को हमारे पार्टी के लीडर्स को या पार्टी के कोई नेताओं को उन लोग अलाउ नहीं किए थे। जहां पर भी हम पुलिस को दिखते वहां से उन लोग हमें उठा के ले जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। और हम जुबली पुलिस स्टेशन में जब मैडम को अरेस्ट किए थे वहां पर भी हम पहुंचे थे, वहां पर भी बहुत बुरी तरह उन लोग किए थे, हकाल देते बिल्कुल लाइक कोई क्रिमिनल हो या कोई मर्डर वर्डर करे सो लोग या टेररिस्ट हो या कोई स्मगलर हो, ऐसा हमारे को ट्रीट कर रहे थे। महिला करके भी नहीं देखे, फिलहाल मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, महिला करके भी नहीं देखे थे उन लोग, ऐसा उठा के क्या बोलते हैं लाइक चिटकियां बजाते हुए उठा के हमारे को पुलिस स्टेशन से बाहर हका लेते। एक्चुअली शर्मिला जी सिट रेस्पेक्टिव ऑफिसर को मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी अकेली जा रही थी, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देने जा रही थी। और आप क्लियरली वीडियो देख सकते हैं उनके साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी 3-4 लोग कोई थे बस, उसके अलावा ना कोई नेता है ना कोई भी नहीं है। अब बाद में आप उन लोग क्या बोलते हैं प्रगति भवन मुटड़ी ये सब कर रहे थे शायद बोल के, नहीं आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, वहां पे भी सीसी कैमरा होता है हर जगह, हमारे सारे लीडर्स घर पे थे। एक्चुअली कल का दिन 26 को टी से क्या एक निराला दीक्षा धरना कर रही थी शर्मिला मैडम, उसपे हम सब लोग काम पे बिजी थे और ये काम सिर्फ मैडम जा रही थी सिर्फ सिट ऑफिसर से मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रही हैं कि बीआरएस या सत्ताधारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो पुलिस का नाजायज गैर जरूरी इस्तेमाल कर रही है, क्या आपको लगता है पुलिस जैसी संस्था जिसमें हजारों की संख्या में कांस्टेबल और आईपीएस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं वो इतने कमजोर होंगे कि वो सत्ता के डायरेक्शन पर काम करेंगे इस तरह के? 100% भैया, 100% हम पब्लिक लाइक हम रोड पे देख रहे हैं पुलिस, हम वी आर इन द फील्ड, वी आर सीइंग, वी आर लुकिंग एट देयर बिहेवियर, पुलिस हाउ दे आर ट्रीटिंग द पीपल। बीआरएस के सिर्फ उनको बीआरएस का कंडोवा पहनना ही कम बस, बाकी कुछ भी बाकी नहीं है भैया, सिर्फ बीआरएस का कंडोवा डालना ही बाकी है पुलिस लोगों के लिए। बहुत बुरी तरह पुलिस लोग लाइक बिहेव कर रहे हैं, ऐसा बिहेव करना इज नॉट करेक्ट, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट पे अपन को ट्रस्ट है, भरोसा है, उन पे रेस्पेक्ट है। और इस बार तो ये 8-9 साल से तो पुलिस बिल्कुल बीआरएस पार्टी के काम वाले बस जी, बट नॉट इवन कार्यकर्ता, नॉट इवन लीडर्स, दे आर वर्कर्स, दे आर उन लोग बिल्कुल उनके काम वाले बस, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन सड़कों पर इस तरह का कोई कार्यक्रम है आने वाले समय में? 100% रहता है भैया जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया साई शिल्पा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि YSRTP की नेता उन्होंने बताया कि उनका विरोध प्रदर्शन होगा इस मामले में, और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पुलिस कहीं ना कहीं प्रभावित है सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के इशारे के कारण। एक तरह से उनकी नेता को हरास किया गया, वाई शर्मिला को हरास किया गया, और जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसके अलावा ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें पुलिस का आक्रामक रवैया देखने को मिला और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं हैं, अदालत हैं, और पुलिस ने मामला दर्ज कराया है, तो वाई शर्मिला के पक्ष में भी ये आज़ादी है कि वो भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखें और अदालती कार्रवाई में जो जजेस हैं वो अपना फैसला सुना सकते हैं। तो इसमें जनता का फैसला भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।